शनिवार बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने रामगढ़ताल थाने पर चौपाल लगाया। चौपाल में अधिकतर मामले मारपीट, धोखाधड़ी, पैसा लेकर नौकरी दिलाने से संबंधित आए, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जनपद के 17 थानों पर चौपाल लगाया गया है, जिसके तहत मेरे द्वारा रामगढ़ताल थाने पर चौपाल लगाया गया। उन्होंने कहा कि चौपाल का समय दिन में होने से नागरिकों को काफी सुगमता मिल रही है तथा लोग चौपाल में आकर सीधा अपनी समस्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा, बुधवार को आयोजित चौपाल में धोखाधड़ी, मारपीट, पैसा लेकर नौकरी दिलाने से संबंधित मामला आया है। उन मामलों को रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है तथा जल्द ही इन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, फल मंडी चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा, नौकायन चौकी प्रभारी विजय यादव, कांस्टेबल नीरज यादव सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, हमारे बगल में उनका शर्मा नाम का व्यक्ति वो कहे कि हमारे साले मिलिट्री में कर्नल रिटायर होकर के सैनिक जब हम लोगों को पता चला कि आपके धंधे में बंद है, पर हम भाग करके आए और खुशी खुशी जो सब जमीन का धंधा नहीं है, कोई तो नौकरी का धंधा जो पता चल गया है सर, थाने में बंद है। देवेंद्र शर्मा का नाम बंद है, टोटल फर्जी था। कोई बात नहीं, कार्रवाई होगा जिसका पाल लगा।
कराया गया था, किस तरह के मामला है, कितने मामलों का निपटारा हुआ? ये आज पुलिस चौपाल थाना रामगढ़ताल पे कराया जा रहा है। इसमें जनता से संवाद के जरिए बात की जा रही है। बहुत सारे जो कि दिन में इस बार नई पहल की गई है कि दिन में चौपाल लगाया जा रहा है, तो जनता काफ़ी संख्या में आई है। अभी तक 12 हमें प्रार्थना पत्र मिल चुके हैं पिछले एक घंटे में, और आगे भी उम्मीद है कि और भी मिलते रहेंगे। किस तरह के मामले हैं इसमें? अलग अलग तरह के मामले हैं, कुछ मारपीट के भी मामले हैं, कुछ धोखाधड़ी के मामले हैं, और कुछ पैसे लेकर के नौकरी दिलाने की बात हुई है, उस तरह के मामले हैं। इन सबको हम अपने जो प्रार्थना पत्र रजिस्टर है उसमें दर्ज करके पुलिस चौपाल के अंदर अलग से इसको विशेष इन पर ध्यान रखा जाएगा इन मामलों का, और उसको ट्रैक किया जाएगा।